नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर फतेहपुर चौरासी उन्नाव से। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर कस्बा सहित क्षेत्र में हकीकतमंदों द्वारा कर्बला के शहीदों की याद में मातमी जुलूस निकाले गए। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर बृहस्पतिवार को कस्बा सहित क्षेत्र के गांव सैतबारी, थाना टिकाना, खेवरई एवं तकिया आदि गांवों गांव में इस्लाम धर्म के प्रचारक मार्गदर्शक मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मातमी जुलूस निकाले गए। पूर्व निर्धारित मार्गों से निकाले गए जुलूसों के दौरान नौहाख्वानी भी होती रही। देर रात ताजिए कर्बला में दफनाए गए। इस दौरान नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी में इमाम हुसैन की शहादत का जुलूस हमेशा की तरह दो भागों में बटा रहा। कस्बे के एक जुलूस में पूर्व चेयरमैन साबिर अली, सभासद मोहम्मद आरिफ अली, लियाकत अली, डॉक्टर हामिद आदि लोग शामिल रहे। वहीं कस्बे के दूसरे जुलूस में शमशाद खां, शकील, शहीद खां, लोकई, मियां खां, इदरीश, शमसुद्दीन, कादिर, शालू, साकिर, रियासत, इरफान अलवी आदि मासिया पढ़ने वाले और ताजियादार मौजूद रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। आपका शुभ नाम क्या है? ये बताइए, जो ये ताजिया वाला जुलूस मुहर्रम का कार्यक्रम चला, इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? ये पूरा कार्यक्रम कितने दिन का होता है और इसका क्या विवरण पूरा है? 16, 17, 18 अंग्रेजी मुहर्रम की 9, 10, 11 नौ इमाम चौक से उठ के ये हमारे कस्बा बिरादरी होते हुए, पूर्व चेयरमैन महेश की गली होते हुए, अयोध्या प्रसाद की गली होते हुए आर्य समाज के मध्य से इमाम चौक पे आ जाते हैं। ये कितने दिनों का कार्यक्रम होता है? ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है। कितने? 3 दिन। 3 दिन का कार्यक्रम होता है। हाँ जी बताइए, 3 दिन का जो कार्यक्रम, 3 दिन का होता है या 10 या 12 दिन का होता है, कितने दिन से शुरू होता है? एक तारीख से 11 तक चलता है मुहर्रम। हाँ, तो 1 तारीख से 11 तक जो चलता है ये पूरा कार्यक्रम, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, इस तरह से पूरे 11 दिन का बताएं। पहले दिन मुहर्रम की जब चांद निकलता है तो चौक पे चिराग रखा जाता है जी। इमाम चौक, फखरुल हसन, नबी हसन, मोहम्मद हसन लाला, सफी हसन, अनवार अहमद, अकील अहमद, शकील अहमद, फखरुल हसन, कमरुल हसन, शमसुल हसन, मोहसिन हसन, मुजीब हसन, नदीम हसन, शरीफ, मदारू बकर, सलीम, एलन, ये ताजियादार है। मुहर्रम की 6 तारीख भी होती है। ये आज आखिरी दिन है जी। आज आखिरी दिन है। ये आज आखिरी दिन क्या क्या कार्यक्रम होता है? ये चौक से जाके निरीक्षण भवन के पास कर्बला शरीफ है, उसमें दफन हो जाएंगे आज सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे कई बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? 10 बजे चालू होगा। 10 बजे से उसमें 4 बजे तक पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा ठीक। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहेंगे? इन दिनों में किस तरह की सावधानियां आप लोग बरतते हैं? किस क्या मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा आभार रहा, जो हमारा मुहर्रम बहुत शांतिपूर्वक से निपटा ठीक। मेरा एक कर्बला शरीफ का मीटर चल रहा है निरीक्षण भवन के पास, उसमें SDM, DM, हमारे कप्तान साहब, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष बहुत सहयोग दिया, मामला निपट गया जी, कोई दिक्कत नहीं, सभी का सहयोग रहा। ले लो बना दी। ये बताइए, जो ये ताजिया का कार्यक्रम हो रहा है, इस संदर्भ में अपना नाम बताते हुए बताएं कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है और कितने दिन का होता है और कैसे पूरा कार्यक्रम होता है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं कस्बा फतेहपुर चौरासी का रहने वाला हूँ। हजरत इमाम हुसैन और हसन आज के दिन शहीद हुए, उनकी शहादत को लेकर के मुहर्रम जुलूस मनाया जाता है। ये कितने दिन का होता है? ये पूरे 10 दिन का होता है। 1 तारीख से शुरू होता है और 10 तारीख तक चलता है। 11वीं तारीख को जैसे संयम का वो मनाया जाता है, इस तरीके से 11 तारीख को दफन कर दिया है। तो ये आज कौन सा दिन है और कौन सा कार्यक्रम आज हुआ है? आज ये 10 तारीख है, मुहर्रम की 10 तारीख है, 10वीं तारीख को ही शहीद हुए थे। तो आज मतलब शोक संदेश जी, जी, तरीके जी, से शोक मनाया जाता है जी। और इसके बाद कल क्या होगा? कल इनके उपलक्ष्य में जो है 11वीं उठाई जाएगी,
और सीधे कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। फतेहपुर चौरासी में लगभग कितनी जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? लगभग इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। चार लोग यहाँ गढ़ी से जो है, चार लोग ताजियादार हैं वो शामिल होते हैं, और कुछ लोग अपनी मन्नतों के साथ ताजिया लाते हैं और रखते हैं, मनाते हैं और तो उसी से दफन करते हैं। तो इस कार्यक्रम के उपलब्ध में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं यहाँ पर होती है? कोई समस्या नहीं होती है, सब मिल मिलाप करके आपस में भाईचारा बना करके मुहर्रम मनाते हैं। कभी कोई इस तरीका का कोई वो नहीं हुआ और यहाँ बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक, धन्यवाद। आधे घंटे बाद धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।